हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन। सर्कुलर मोशन वर्टिकल प्लेन मतलब एक तो ऐसे रोटेशन हो सकता है ना, दूसरा रोटेशन ऐसे मतलब अगर हम किसी पत्थर को, मान लीजिए हमने किसी धागे से बांधा और उसे ऐसे ना नचाने के बजाय हम उसे ऐसे नचाए जिससे वो ऐसे रोटेशन करे, तो ये जो रोटेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल प्लेन सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन अगर वर्टिकल प्लेन में होता है तो ये क्या चीजें हो सकती हैं? एक तो एक पॉइंट सबसे लोअर वाला पॉइंट होगा, दूसरा एक मिडिल पॉइंट होगा, चाहे इस तरफ ना चाहे इस तरफ ना, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, एक मिडिल पॉइंट होगा और तीसरा एक टॉप पॉइंट होगा। तो इन तीनों ही पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी मतलब वी ए, वी बी और वी सी, ये कितना होगा, और साथ में अगर यहाँ पे बात की जाए कि इनके अंदर अगर ये पत्थर यहाँ पे रोटेशन कर रहा है, अगर स्टोन रोटेशन कर रहा है, तो यहां पर जो उसका वेट होगा, यहां पर जो उसका टोटल वेट होगा और यहां पर जो उसका टोटल वेट होगा वो किस टाइप से बैलेंस होगा, वो मतलब टेंशन जो क्रिएट होगी, क्योंकि वेट से टेंशन क्रिएट होगी इस स्ट्रिंग के अंदर, वो कितना होगा वो फाइंड आउट करने चाहते हैं। मतलब टी ए, टी बी और टी सी की जो वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और वो कितनी होगी ये भी हम फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली इक्वेशन निकलेगी टी ए, टी बी, टी सी की, लेकिन साथ में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेट होगा वो कितना होगा वो भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहां पर हमने एक वर्टिकल प्लेन बना रखा है और आप देख रहे हैं यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट P है जहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, पोजीशन पे है, मतलब किसी भी पोजीशन पे, मान लेते हैं कि यहां पर एक पोजीशन है P और इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा, अगर ये वर्टिकल प्लेन के अंदर मोशन कर रहा है तो किसी भी टाइम पर यहां पर जो ऑब्जेक्ट का मास होगा वो डाउनवर्ड नीचे की ओर होगा, जिसे mg से हमने शो कर रखा है। अब ये mg डाउनवर्ड नीचे की ओर वर्क कर रहा है तो इसके दो डायरेक्शन होगी, एक तो क्या होगी उसी डायरेक्शन में जो स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में आगे की ओर है ना, mg cos थीटा होगा, mg cos थीटा बाहर की ओर लग रहा होगा, साथ में वहां पर क्या लग रहा होगा, साथ में वहां पर लग रहा होगा यहां पर इसको रोटेशन कराने के लिए, जो सर्कुलर मोशन कराने के लिए जो हम बोलते हैं मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो वर्क कर रहा होगा। तो mg cos थीटा प्लस सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है और वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस स्ट्रिंग पर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रही होगी जो इसको हमेशा खींचे रहती है ना, खींचे रहती है, तो ये इधर इसको क्या करता है, पकड़े रहता है। अगर ये टेंशन कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगी और ये इधर बाहर चला जाएगा, तो ये इधर खींचता है इसको, याद रखना। अब क्या होता है, दूसरा जो इसका पोजीशन होता है जो इसको टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन मतलब अगर हम पत्थर को नहीं चला रहे तो यहां पर क्या होगा, तो ये जो पोजीशन होती है ये ओरिजिनल पोजीशन होती है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं, और इस पोजीशन की ओर इसको लाने का प्रयास करता है, यहां से ये जाएगा लेकिन ये हमेशा टुवर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ये वर्क करता है, उसको हम बोलते हैं mg sin थीटा। तो किसी भी पोजीशन पे जो टोटल टेंशन होगी वो कितनी होगी, तो किसी भी पोजीशन पर जो टोटल टेंशन होगी वो t इज इक्वल टू होगी एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस mg cos थीटा, है ना, क्योंकि इस टेंशन के अंदर ये इसके बराबर ये ही वर्क कर रहा है, बाकी ये तो काम कर नहीं रहा इसके साथ। तो ये हो गया आपका t इक्वल टू हो जाएगा आपका mg स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा। अब ये इक्वेशन अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो इसके बाद इसको करना बहुत ही सिंपल होता है, क्योंकि ये चीज बहुत ही सिंपल है ना, हम जबरदस्ती डेरिवेशन से घबराते हैं। तो t इक्वल टू mg स्क्वायर अपॉन l प्लस mg cos थीटा। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर देखिए ये आपकी ओरिजिनल पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन से अगर हम सी बी और ए का एंगल चेक करें तो देखिए अगर ए की बात हम करें, टी ए कितना है, तो टी ए यहां पर कितना होगा, टी ए ओरिजिनल पोजीशन है, तो यहां पर इसकी जो इसके साथ ओरिजिनल पोजीशन के साथ जो पत्थर की जो पोजीशन होगी वो जीरो डिग्री का एंगल बनाएगी। तो टी ए पर एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए जो थीटा होगा वो होगा जीरो डिग्री, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन पे है, वहां से रोटेशन करेगा तो एंगल बनेगा, मतलब ये यहां से रोटेशन करे तो यहाँ पे 90 का, यहाँ पे 180 का, यहाँ पे 270 का एंगल बनेगा, लेकिन यहां पर क्या है, अभी ए पोजीशन को तो थीटा इक्वल टू क्या है, यहाँ पर जीरो डिग्री है, और थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री है तो यहाँ पर कोस जीरो की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, वन होगी।
इस हिसाब से अगर मैं टी ए की बात करूं तो टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल। अब जो वी ए है वो ए पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी है, मतलब यहां पर ये किस वेलोसिटी से यहां पे मोशन कर रहा पार्टिकल वो बताया जा रहा है। अब ए पोजीशन है तो ए पर वी हो जाएगी, बी पर भी वी हो जाएगी और सी पर क्या हो जाएगी वी सी हो जाएगी। तो टी ए इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कोस थीटा, कोस थीटा की जगह हम जीरो अगर यहां पुट करते हैं तो कोस जीरो की वैल्यू वन, तो ये हो जाएगा एम जी। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई यहां पर फर्स्ट। अब ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब यहां पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट टी ए पर आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो पॉइंट बी पर है वो कितनी होगी, तो एट पॉइंट बी थीटा इक्वल टू, अगर ये ऑब्जेक्ट बी पर होता है तो याद रखिए बी पर होगा तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 90 का बनेगा। तो यहां पे थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो यहां पे टी बी जो होगा टी बी इक्वल टू आपका हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कोस 90 की वैल्यू हो गई जीरो। तो हमारे पास यही बचेगा तो हम इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे क्योंकि कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर प्लस कोस 90 लिख दो बच्चों, है ना, एम जी क्या हो जाएगा यहाँ पे एम जी कोस 90। तो हमारे पास टी बी इक्वल टू बचेगा सिर्फ एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल और ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकेंड हो जाएगी। अब यहां पर हम देखते हैं तीसरी चीज, तीसरी एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी। अब एट पॉइंट सी अगर ये रोटेशन करता हुआ यहां पर पहुंचता है या फिर इधर से भी रोटेशन करता है यहां पहुंचता है तो इनके बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का है। तो यहां पे एट पॉइंट सी थीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां पर कोस जो होगा कोस 180 की वैल्यू क्या होगी, तो यहां पर टी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी कोस 180 और कोस 180 वैल्यू होती है माइनस वन, और माइनस वन अगर हम यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये माइनस एम जी हो जाएगा। तो टी सी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी हो जाएगा, है ना। अब ये सर्कुलर मोशन हो रहा है। अब सर्कुलर मोशन के अंदर हम जानते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, तो हमें टीसी की वैल्यू जो होगी 8.6 पर वो भी पता चल जाएगी। ये इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ये हम फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। अगर मैं जी की बात करूं तो ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर अपॉन एल, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन है तो देखिए टीसी की वैल्यू क्या आती है, टीसी इक्वल टू हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल हो जाएगा। तो ये क्या बोला कैंसल आउट हो जाएगा, तो टीसी 8.6 जो टी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो, तो टीसी इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो। मतलब इस समय जब पॉइंट यहां पर ये रोटेशन करता हुआ पार्टिकल आता है तो क्या होता है उसके अंदर जो स्ट्रिंग की जो टेंशन होती है जो यहां पर लटकने पर हम देखते हैं ना इस पर डोरी खींची रहती है, यहां पर रोटेशन करते हुए जब आएगी तो टेंशन जो होगा जो स्ट्रेच होगा स्ट्रिंग के अंदर वो कितना होगा जीरो होगा। अब ये बहुत ही काम की चीज है, ये हम आगे क्या करने वाले वो देखते हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखना, अब हमें क्या करना है पॉइंट बी पर अगर हम टी बी फाइंड आउट करना चाहें तो वो कितना होगा। तो देखिए इक्वेशन नंबर हमें टी बी फाइंड आउट करना, बी और हम सी को लेते हैं, तो इक्वेशन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री। अब क्या होगा यहां पे देखिए हम फाइंड आउट करना चाहते हैं टी बी माइनस टी सी, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब यहां पे हम क्या करते हैं टीसी की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे टीसी और टीबी की वैल्यू यहां पे देख लेते हैं क्या होती है। तो टीसी माइनस टीबी करते हैं, क्या करते हैं टीसी माइनस टीबी करते हैं, टीसी माइनस टीबी की वैल्यू क्या होगी, टीसी की वैल्यू होगी आपकी एम बी सी स्क्वायर एम बी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, और माइनस टीबी हम करेंगे तो याद रखना यहां पे माइनस एम जी कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी।
अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे TC माइनस TV अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, एक्चुअली TV माइनस TC हम करना चाहते हैं। तो यहां पे अगर TV माइनस TC किया जाए तो TV माइनस TC इज इक्वल टू, देखिए M V B स्क्वायर, यहां पे हम C और B पहले कर लेते हैं फिर TV माइनस TC करेंगे, तो M V C स्क्वायर अपॉन L। तो M अपॉन L अगर मैं यहां पे फाइंड आउट कर लूं तो ये M अपॉन L BC स्क्वायर माइनस VB स्क्वायर ये हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा माइनस MG हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पे अगर हम इसको देखते हैं कि TB माइनस TC करें तो TB माइनस TC इक्वल टू हो जाएगा यहां पर M अपॉन L VB स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर प्लस MG हो जाएगा। अब ये चीज हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन से जो B और C है इनके बीच में जो काइनेटिक एनर्जी टोटल होगी वो कितनी होगी, तो देखिए पॉइंट B पर काइनेटिक एनर्जी और पॉइंट C पर काइनेटिक एनर्जी, तो पॉइंट B पर जो होगा ये रोटेशन कर रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर होगी नहीं, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर यहां पर नहीं होगी तो पॉइंट B पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, है ना, एनर्जी एट बी एंड सी, तो यहां पर हो जाएगा हाफ एम वी बी स्क्वायर, हाफ एम वी बी स्क्वायर, और यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, इज इक्वल टू यहां पर हमें क्या करना है हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस ये जो BC है इस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर है, सिर्फ L डिस्टेंस पर, क्योंकि ये B पॉइंट है और यहां से ये L डिस्टेंस पर, क्या हो जाएगा ये MGL हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये MGL हो जाएगा। अब हमें क्या करना है VB माइनस VC स्क्वायर करना है, तो M ये हमने कर दिया M ये VB स्क्वायर माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा VC स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया आपका VC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा MGL। अब M से M कैंसिल हो गया तो VB स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2GL। अब VB माइनस VC स्क्वायर इक्वल टू 2GL हो रहा है, तो VB माइनस VC स्क्वायर की वैल्यू हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा TB माइनस TC इज इक्वल टू M अपॉन L और VB स्क्वायर माइनस VC स्क्वायर वैल्यू क्या है 2GL है, तो ये हो गया 2GL प्लस ये हो जाएगा MG, तो ये हो गया आपका L से L कैंसिल हो गया और ये 2MG, तो TB माइनस TC इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पर 2MG प्लस एम जी, तो यहां भी क्या हो जाएगा टी बी माइनस टी सी इज इक्वल टू 3MG हो जाएगा, बट टी सी की वैल्यू क्या है, टी सी की वैल्यू जीरो है, तो टी बी कितना हो जाएगा, टी बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3MG हो जाएगा। और इस तरीके से जो पॉइंट बी होगा यहां पर जो टी बी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 3MG हो जाएगी। अब हमें क्या करना है पॉइंट ए पर जो टोटल टेंशन है वो कितनी है वो फाइंड आउट करना है, तो ये जो चीज है ये यहां पर हम वापस वही चीज करने वाले हैं जो यहां पर हमने की थी इक्वेशन नंबर सेकेंड और थर्ड से। इससे पहले हम क्या करेंगे यहां पर जो चीजें हमने लिख रखी उसको हम थोड़ा सा हटाएंगे ताकि हमारे पास जगह थोड़ी कम है और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे वॉचिंग कर नहीं रहे तो क्या है कि अब वीडियो वायरल हो कुछ पैसे मिले तो हम कर सके ये चीजें, तो क्या है कि इसको हम थोड़ा सा डिलीट करते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर पॉइंट सेकेंड और जो थर्ड है ये हमने सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमने ली थी टीबी को फाइंड आउट करने के लिए, अब हम फर्स्ट और जो थर्ड इक्वेशन है वो हम फाइंड आउट करते हैं जो टी ए है उसको ज्ञात करने के लिए। तो क्या होगा देखिए अगर मैं यहां पर टी सी मतलब टी सी माइनस टी ए करता हूं फ्रॉम, है ना, यहां पर इसको ये अलग कर दीजिए From first and third, first और third equation से TC minus TA हमने किया, तो देखिए
टीसी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम बी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, माइनस एम जी और माइनस टी ए। अब टी ए देखिए, अगर टी ए की वैल्यू माइनस में पुट करना तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी हो जाएगा। अब यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया आपका टी सी माइनस टी ए, एम अपॉन एल हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास इक्वेशन आ गई वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, तो ये हो गया वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस टू एम जी, ये चीज हो जाएगी हमारे पास। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई है टू एम जी, माइनस टू एम जी। अब हम क्या करते हैं, वापस ये जो इक्वेशन हमने लगाई थी सेकेंड बी और सी के लिए, अब वही इक्वेशन हम लगाएंगे ए पॉइंट और यहां पर सी पॉइंट के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, एनर्जी एट ए एंड सी। अब ए एंड सी पर जो एनर्जी होगी वो देख लेते हैं। अब पॉइंट सी जो है ए और सी के बीच में कितने का अंतर है, टू एल डिस्टेंस का अंतर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी टू एम जी या एम जी, और यहां पे एच की जगह क्या हो जाएगा टू एल हो जाएगा। तो एनर्जी देखिए सी पर, सी पर कितना होगा हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हो जाएगा यहां पर एम जी और इंटू टू एल हो जाएगा, क्योंकि हाइट यहां से ए और सी के बीच में जो हाइट है वो कितनी है टू एल है, इज इक्वल टू यहां पर देखिए जो पॉइंट ए होगा वो क्या होगा, ए पर देखिए यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है मैक्सिमम, यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या है मैक्सिमम। अब देखिए ये हो जाएगा यहां पर काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि ये रोटेशन सॉरी यहां पे जो रोटेशन है वो मैक्सिमम होगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि रोटेशन करता हुआ आगे जाएगा, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं भी होगी है ना, क्योंकि ये ओरिजिनल पोजिशन पे है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है वी सी माइनस वी ए स्क्वायर करना है, तो वी सी माइनस वी ए स्क्वायर अगर हमें करना है तो देखिए ये हो जाएगा एम बाय यहां पर हो जाएगा एम बाय टू और ये हो जाएगा वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, इसको इस तरफ ले गया है और एम जी एल को उस तरफ ले गया तो हो जाएगा माइनस टू एम जी एल हो जाएगा ये। अब ये से ये आपका कैंसल आउट हो गया, ये से ये हमारा कैंसल आउट हो गया, तो अब क्या होगा हमारे पास वी सी माइनस वी ए है ना, वी सी माइनस वी ए की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो यहां पर देखिए वी सी माइनस वी ए क्या हो जाएगा हो जाएगा फोर जी एल हो जाएगा, तो वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा फोर जी एल, वो भी माइनस का, अगर ये वी ए माइनस वी सी करेंगे यहां पर हम चेंज करेंगे बाद में। तो देखिए यहां पर ये इक्वेशन हमारी पहले से, इसको डिलीट करते हैं। अब क्या होगा, तो ये बी सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर जी एल, अगर ये वैल्यू मैं यहां पे पुट करता हूं तो देखिए टी सी माइनस टी ए, टी सी माइनस टी ए इक्वल टू यहां पर आपकी वैल्यू है एम अपॉन एल, ये हो गया आपका एम अपॉन एल, और वी सी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस फोर जी एल, ये हो गया माइनस फोर जी एल और ये हो जाएगा आपका माइनस टू एम जी, तो ये हो गया आपका माइनस टू एम जी। अब क्या होता है यहां पर टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू यहां पर एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस फोर एम जी, तो ये हो गया माइनस फोर एम जी माइनस टू एम जी। अब टी सी माइनस टी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सिक्स एम जी। अब टी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास है जीरो, तो हमारे पास बचेगा माइनस टी ए इज इक्वल टू माइनस सिक्स एम जी, तो टी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सिक्स एम जी हो जाएगा। और इस तरीके से पॉइंट ए पर
जो टोटल टेंशन होगा टी ए वो कितना हो जाएगा 6 mg यहां पर हमारे पास आ जाता है। अब हमारे पास टेंशन जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो टेंशन सी पर होगी, सी पर हमारी टेंशन कितनी थी, सी पर हमारी टेंशन 0 थी, बी पर हमारी टेंशन 3 mg है और ए पर हमारी टेंशन 6 mg है। अब क्या करना है, अब जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसी इक्वेशन के अंदर वापस चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड लिखी थी, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और जो थर्ड लिखी थी उसकी बात करते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लिखी थी वो हमने लिखी थी टी ए इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, और कोस थीटा की वैल्यू क्या थी, ए पर 0 थी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अब चूंकि टी ए की वैल्यू हमारे पास 6 mg है, टी ए की वैल्यू कितनी है 6 mg है, तो टी ए की वैल्यू अगर 6 mg है तो हमने यहाँ पे 6 mg पुट कर दिया। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी याद हो तो टी ए की वैल्यू 6 mg, ये हो गया आपका एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल प्लस एम जी, तो 6 mg माइनस एम जी इक्वल टू एम, ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल, तो ये हो जाएगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन एल इक्वल टू ये हो जाएगा 5 mg। और अगर हमें सिर्फ वी ए की वैल्यू चाहिए तो एम से एम कैंसिल कर दीजिए और सिर्फ वी ए की वैल्यू चाहिए तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा आपका यहां पर जो वैल्यू आएगी अंडर रूट 5 gl आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 5 gl आ जाएगी। पॉइंट ए पर जो वैल्यू होगी वो 5 gl होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है याद रखना। पॉइंट ए पर जो टेंशन है वो 6 mg है, पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो 5 gl है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, है ना, आई होप आप लोग ने पहले इसको नोट कर रखा होगा, है ना। तो ये हो गया आपका टी बी। अब हम फाइंड आउट करते हैं जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकेंड थी एक्चुअली, है ना, सेकेंड जो इक्वेशन थी टीवी पर थी और पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर 90 डिग्री का है तो मैंने आपको बताया था टीबी जो होता है वो एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल होता है प्लस एम जी की वैल्यू हमारी क्या थी 0, एम जी कोस 90, कोस 90 की वैल्यू हमारी 0 हो गई थी याद हो आपको। अब टीबी की जो वैल्यू जो है वो आपकी 3 mg है, देखिए तो अगर इसके अंदर मैं 3 mg पुट करता हूं तो ये हो जाएगा एम वी बी स्क्वायर अपॉन एल, एम से एम कैंसिल हो गया तो हमारे पास देखिए जो वी बी स्क्वायर हुआ वो कितना हो जाएगा 3 gl, ये हो गया आपका 3 gl हो गया। तो ये हो गया आपका वी बी इक्वल टू अंडर रूट 3 gl। और याद हो आपको मैंने बताया था, ये देखिए यहां पर वी बी थ्री टीवी की वैल्यू 3 mg और वी बी की वैल्यू यहाँ पे 3 gl। अब इक्वेशन नंबर जो हमारी सी पॉइंट पर थी, सी पॉइंट पर इक्वेशन क्या थी, तो सी पॉइंट पर इक्वेशन थी हमारी टी सी इज इक्वल टू एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, ये थी हमारी वैल्यू। अब टी सी की वैल्यू तो हमारे पास 0 है जो मैंने आपको बता दिया था, अब टी सी की वैल्यू हमारे पास 0 है तो हमारे पास बचेगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल माइनस एम जी, या फिर मैं कहूं कि एम जी इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा एम वी सी स्क्वायर अपॉन एल, एम से एम कट गया और ये एल यहां पे आएगा तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका जी एल, तो वी सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट जी एल। तो ये तीन चीजें जो मैंने आपको यहां पे लिख रखी है, वी सी वी ए वी बी और दूसरा टी ए टी बी और टी सी, ये तीनों चीजें जो होती हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट रखती है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। बड़ी मेहनत से आपको मैंने करके बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।